सो जैसे कि हमने आपने देख ही लिया होगा आज के वीडियो में, आज का वीडियो स्पेशली कॉमी 2-3 या उससे नीचे जो भी पोजीशन है उनके लिए होने वाला है। तो आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रायल के लिए जा रहे हो तो आपके लिए सिंपल सी डिशेज में लाया हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक डिश को पूरा बना के दिखाऊंगा, इसलिए इसमें आप रेसिपी भी देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि मैंने किस तरह से पेंटिंग करी है और किस तरह से मैंने बनाया है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 सैलेड, 2 मेन कोर्स और 1 सूप, तो इनको आप अगर ट्रायल में जा रहे हो तो इनको इजीली दे सकते हो और अपना ट्रायल पास कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करेगा, लाइक जरूर करेगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो कि है देसी ब्लॉगर। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हम बनाते हैं पहला सैलेड जो कि हमारा फतुश सैलेड होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये आता होगा, ये कॉमी 3 और कॉमी 2 के लिए इजी सैलेड है और ये आराम से आप अपने ट्रायल में दे सकते हैं। इसमें मैंने डाइस ऑनियन, कुकुम्बर और स्लाइस ऑफ रेडिश डाला है, उसके साथ साथ मैंने रोमन लेट्यूस भी ऐड किया है और चेरी टमाटो भी ऐड किया है। तो यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग के तौर पर हम यहाँ पर डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा पेपर और नमक पाउडर इसमें ज़रूर जाएगा। उसके अलावा मैंने इसमें फ्रेश पॉमग्रेनेट सीड्स जो मैंने निकाल के रखे थे वो भी मैंने ऐड किए हैं और ऑलिव ऑयल भी ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका फतुश सैलेड जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत सिंपल है गाइस। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मैरिनेशन जो है इसका अच्छे से होना चाहिए क्योंकि जो भी सैलेड मुंह में जाए उसमें फ्लेवर आना चाहिए हर चीज़ का जो भी आपने इसमें मिक्स करी है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा, फाइनली मिक्स कर दूंगा और उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में डाल दूंगा। यहाँ पर मैंने फ्रेश पोमग्रेनेट सीड भी ऐड कर दिए हैं। ये बहुत सिंपल सी सैलेड है गाइस, ये आप आराम से अपने ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ही बड़ा फाइन डाइनिंग वाला सैलेड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट आप इसमें अच्छा सा बॉल यूज़ करके इसको अच्छे से बनाएंगे तो वो भी इनफ होता है। यहाँ पर मैंने क्रूटोन्स यूज़ किए हैं जो कि खबूस जो है अरेबिक ब्रेड होता है उससे बनता है, उसको फ्राई करके, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर डाल दिया है पोमग्रेनेट ड्रेसिंग। तो इसमें पोमग्रेनेट सीड्स के साथ साथ पोमग्रेनेट ड्रेसिंग भी जाती है। तो ये आपका सैलेड तैयार हो चुका है और इसको आप अपने ट्रायल में एज अ सैलेड सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सैलेड है और बहुत ही सिंपल सैलेड है। फतुश सैलेड जो है वो लेबनान से आया है और ये नॉर्मली ब्रेकफास्ट या लंच में सर्व किया जाता है। सो चलिए गाइस हम बनाते हैं अपना दूसरा सैलेड जो कि हमारा आर्टिचोक एवोकाडो सैलेड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एवोकाडो ले लूँगा जो कि रिप होना चाहिए, पका होना चाहिए, ज़्यादा भी कच्चा ना हो और ज़्यादा भी पका ना हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा एवोकाडो लिया है जिसे मैं डाइस काटने वाला हूँ। अच्छे से डाइसेस ले लीजिए और उसके बाद जो आपके वेजिटेबल्स है वो मैंने पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेरी टमाटो, कैप्सिकम, चेरी टमाटो 1/2 कर लीजिए, कैप्सिकम मैंने डाइस करके रखा हुआ है वो ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ साथ यहाँ पर मैं ऑलिव लूँगा, तो ये ऑलिव मैंने कलमाता ऑलिव यूज़ किया है। आपका केन में आर्टिचोक आता है तो केन आर्टिचोक मैंने यहाँ पर लिया है जो कि मैंने डाइस करके इसमें ऐड कर दिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आप एक साथ मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने फ्रेश स्पिनच लीव ऐड किया है और यहाँ पर लेमन विनेग्रेट ड्रेसिंग आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड किया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ साथ। और लेमन विनेग्रेट के साथ साथ मैंने यहाँ पर पेस्टो सॉस भी यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आर्टिचोक एवोकाडो सैलेड के लिए। यहाँ पर मैं एक मोल्ड ले लूँगा प्लेट में और इसके अंदर मैं सैलेड को डालना शुरू करूँगा। तो ये एज अ ट्रायल आप अपने ट्रायल में दे सकते हैं कॉमी 3 और कॉमी 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको मैंने दे दी है और किस तरह से देना है, किस तरह से डेकोरेशन करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ को मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल में चाइव्स और स्मॉल चेरी टमाटो मैंने ऐड किया है, फाइन चेरी टमाटो उसमें डाला है। तो उस ब्लैक जो आप देख रहे हैं ये है मेरा कलामाता ऑलिव जो कि मैंने ड्राई करके रखा हुआ है और उसके बाद मैंने उसे पीस दिया है। तो यहाँ पर वो पाउडर जैसा बन गया जो कि मैं हर गार्निश में, हर प्लेटिंग में यूज करता हूँ, जैसे कि आपने शायद देखा भी होगा। यहाँ पर मैं क्लीन कर दूंगा और ये आपका सैलेड तैयार हो चुका है आर्टिचोक एवोकाडो। सो चलिए गाइस अब हम बनाते हैं अपना सूप जो कि हमारा क्रीमी मशरूम सूप होने वाला है। तो इजी सूप लिया है मैंने कॉमी 3 और कॉमी 2 के लिए, बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही कॉमन सूप है। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल में वाइट ऑनियन को डाल दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे गार्लिक ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो आप गार्लिक और ऑनियन डाल रहे हैं वो जले ना, ना ही बर्न हो, ना ही ज़्यादा ही ब्राउन हो। तो इसके हल्की आंच में धीरे धीरे इसको पकाना है, कुक करना है और हल्का सा टोस्ट करने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे अपना फ्रेश थाइम और साथ साथ मशरूम्स। आपके पास जितने भी आपको मशरूम मिले, आप जब ट्रायल के लिए जा रहे हो आपको जितने भी तरह के मशरूम मिले आप इसमें ऐड कर सकते हो जिससे कि
मोर फ्लेवर आएगा, और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4-5 तरह के अलग अलग तरह के मशरूम थे जो कि मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। मशरूम को अच्छे से टोस्ट करने के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा सॉगी हो चुका है तो इसमें आप ऐड कर देंगे आप वेजिटेबल स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर दिया है। आप अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से कुक कर दिया है। जब आपको लगे कि ये मोर देन 60-70% कुक हो चुका है तो इसको आप कर देंगे ब्लेंड। तो यहाँ पर अभी हम एक पार्ट फिनिश करेंगे और इसके बाद हम मशरूम सूप को देंगे फिनिशिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है अच्छे से और अब मैं इसमें तड़का मारने वाला हूँ एक तरह से। तो अब मैं ऑलिव ऑयल की जगह पे बटर लूँगा क्योंकि ये फाइनल हमारा टच होने वाला है। और यहाँ पर बटर में मैंने दोबारा से हल्का सा गार्लिक दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने जो ब्लेंड किया था मशरूम सूप वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम, क्योंकि हमारा क्रीमी मशरूम सूप है इसलिए क्रीम डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कुकिंग क्रीम का यूज़ किया है। अब मैं डाल रहा हूँ सीजनिंग जो कि सॉल्ट और वाइट पेपर की होने वाली है। आप सीजनिंग ऐड कर दीजिए हिसाब से, जितना भी आपको सॉल्टी चाहिए, जितना भी आपको सॉल्ट पेपर उसमें चाहिए तो उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। अच्छे से आप इसको हिलाइए, अच्छे से कुक करिए और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। जब आपका कुक हो जाए तो उसके बाद लास्ट में इसको फाइनल टच देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पार्मेसन चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पार्मेसन चीज़ ऐड कर दिया है और ये हमारा बन चुका है क्रीमी मशरूम सूप। अब मैं इसे स्टेन कर दूंगा क्योंकि अभी भी इसमें लम्स, अभी भी इसमें होल मशरूम्स है जो कि मैं नहीं चाहता कि गेस्ट के मुंह में आए मशरूम सूप को पीते वक्त। तो यहाँ पर मैं स्टेनर में इसको स्टेन कर दूंगा और स्टेन करने के बाद जो स्टेनर से निकलेगा वो होगा हमारा फाइनल क्रीमी मशरूम सूप, लास्ट फाइनल टच, मतलब इसमें हम गार्निश करेंगे। और ये मशरूम सूप हमारा निकल चुका है और ये हमारा प्योर मशरूम सूप है जिसमें कि बहुत सारे मशरूम्स है। यहाँ पर मैं क्रीम की गार्निश कर दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रफल ऑयल डाला क्योंकि मेरे पास ट्रफल ऑयल है। अगर आपको ट्रफल ऑयल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मशरूम, ड्राई मशरूम का पीस रखा है जिसके ऊपर मैंने एक फ्लावर रख दिया है शकूरे का, तो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। ये हमारा फाइनल क्रीमी मशरूम सूप रेडी हो चुका है और आप इस तरह से ट्रायल में इसको दे सकते हैं। तो हम सबसे पहला मेन कोर्स ले लेंगे जो कि हमारा ग्रिल सालमन के साथ रोस्ट वेजिटेबल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रोस्ट वेजिटेबल को ले लिया है जो कि आप देख सकते हैं, और क्या क्या मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और आइडिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल को अच्छे से शेप में काट दिया है और उसके बाद मैंने सबसे पहले वेजिटेबल को मैरिनेट किया है सॉल्ट पेपर और ऑलिव ऑयल के साथ, और उसके बाद मैंने इन्हें ग्रिल किया है जिससे इन पे अच्छा सा ग्रिल वाला कलर आया जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने इन्हें रोस्ट कर दिया। तो आप भी कुछ इस तरह से ग्रिल कर सकते हैं और उसके बाद रोस्ट कर सकते हैं जिससे कि अच्छा लुक आएगा और दिखने में अच्छा लगेगा। बहुत ईजी है, आपको ट्रायल के लिए आप जाएंगे तो आपको ग्रिल रेडी मिलता है, आपको रोस्ट करने के लिए ओवन रेडी मिलता है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रिल सालमन ले लिया है जो कि मैंने ग्रीन सॉस के साथ मैरिनेट किया था। ग्रीन सॉस की रेसिपी जो है यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और इसका मिक्सचर बना के आप इसमें मैरिनेट कर सकते हैं और उसके बाद सालमन को आप आराम से ग्रिल कर सकते हैं। मैंने ग्रीन सॉस को इसके ऊपर डाल दिया है क्योंकि सॉस का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सालमन भी ड्राई हो जाएगा, वेजिटेबल भी ड्राई है, इसलिए थोड़ा सा सॉस भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने ऊपर से लीव्स डाल दिए हैं, शकूरा डाल दिया है थोड़ा गार्निश के लिए जिससे कि ये अच्छा लगे। आप इसी तरह से इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास दिमाग में कोई और आइडिया हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका तैयार हो चुका है ग्रिल सालमन विथ रोस्ट वेजिटेबल। तो यहाँ पर ग्रीन सॉस को ध्यान में रखिएगा, जो मैंने रेसिपी आपको दी है उसके हिसाब से आप ग्रीन सॉस को तैयार करिएगा। अब बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि हमारी है लेमन ग्रिल चिकन। सो यहाँ पर मैंने मैश पोटैटो ले लिया है जिसमें मैंने कुकिंग क्रीम, सॉल्ट, पेपर और बटर का यूज़ किया है। तो आप मैश पोटैटो अगर आप बनाना चाहे उस समय ट्रायल के टाइम पर तो आप वो भी बना सकते हैं इजीली। पोटैटो को बॉयल करके, सबसे पहले पोटैटो को बॉयल करने के लिए चढ़ा दीजिए, उसके साथ साथ आप
अपना सॉस बनाइए, ग्रिल पे जो आपका चिकन है उसको तैयार करते रहिए, तो तब तक आपका पोटैटो है जो है वो बॉयल हो जाएगा। उसके बाद अगर बॉयल हो जाए अच्छे से तो उसके बाद आप उसको स्टेन कर दीजिए, जो मैशर होता है जिसमें मैश निकलता है उसमें स्टेन करके आप पूरा मैश निकाल सकते हैं। उसके बाद जो मैंने रेसिपी दी है उस तरह से आप मैश पोटैटो कुक कर सकते हैं। ग्रिल चिकन यहाँ पर मैंने आप लेमन ग्रिल चिकन यहाँ पर मैंने डाल दिया है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये लेमन का एक सॉस आप बोल सकते हैं, लेमन जेस्ट होता है, लेमन जेस्ट को आप ऑलिव ऑयल के साथ मिलाइए और उसके बाद आप इस तरह से डाल सकते हैं, या तो आप लेमन का जो बाहर की जो परत होती है उसको आप फाइन चॉप करके आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करके आप इस तरह से डाल सकते हैं। लेमन को मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आपने कलर दिया है मैंने लेमन के स्लाइसेस को, जो कि अच्छा लगता है डिस्प्ले में, और ये पूरा हमारा लेमन ग्रिल चिकन तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ऊपर से आप रोका लीव भी डाल सकते हैं। आप चाहे इसके साथ डेमी ग्लास सॉस भी दे सकते हैं या आप थाइम सॉस भी बना सकते हैं और सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, ये पहली बार मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ कि आप ट्रायल के लिए अगर जा रहे हो तो किस तरह से आप अपना ट्रायल दे सकते हो, कौन सा मेन्यू आप चूज कर सकते हो, कौन सी डिशेस चूज कर सकते हो। तो आज मैंने पहली बार ये वीडियो बनाया है। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ दूसरी तरह से बना सकता हूँ या कुछ और ऐड कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाने वाला हूँ वीडियो तो उसमें मैं जरूर उस चीज को ऐड करूंगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी और कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आप किस तरह से अपना ट्रायल दे सकते हैं और कौन कौन सी डिशेज आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई अगर आपके पास आइडिया है तो जरूर मुझे शेयर करिए। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिए, जो कि देसी ब्लॉगर है, और अगर शेयर में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेरे कंटेंट जैसे मैं लाता हूँ तो वो बहुत सारा आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेगा और शेयर जरूर करेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।